सो दोस्तों अज असी पहुँच गए हाँ हुशियारपुर जिले के पिंड निक्की वाल लेलों के पिंड हरियावल दरख्तों की हरियावल के वसया पिंड घुग वसदा है। तो सज्जनों अज तुहानू एक नवी जानकारी दस रहे हैं, इस पिंड पहुँच के बहुत ही अहम जानकारी है, बने रहो तुसी साडे वीडियो के एंड तक। तो इस तो पहला कि तुहानू दसीए तुसी जुड़े हो साडे पीवी फिल्म यूनिट चैनल नाल ते साडे फेसबुक पेज दे नाल। ते सजनों अज इस निक्की वाल लेला जिला हुशियारपुर दे पिंड विच एक पंज पीरी दरबार जो बहुत ही अपने इलाके दे विच इस रोजे की मानता है, इस दे गद्दी नशीन हन निहाल नाथ जी। सो अज वो एक सालाना उर्स करवा रहे ने। कोरोना दे कहर तो 2-4 साल तो यह मेला रुकिया हुआ सीगा, तो यह पहली बारी ये मेला अपने ये शुरू करवा दिता इन्होंने अज 16 जून नू। तो सो मैं तुहानू नाल नाल अपने इस रोजे के दर्शन भी करवाना आ, तो गद्दी नशीन साईं निहाल नाथ जी के भी तुहानू दर्शन करवाना आ, तो उहदे नाल नाल उहनां दे नाल बैठे हुए होर भी साडे पतवंते सज्जन जो इस मेले के अधिकारी ने उहनां दे नाल अज गलबात करांगे। उस तो पहलां अज आपां इस रोजे के अंदर एक झात मारने ये पंज पीरी दरबार जो रोज़ा हैगा, सो आपां इहनू अज देखदे। मैं अपने कैमरामैन नू कहांगा कि रोजे के दर्शन करवाओ अंदरों। पंज पीरी दरबार जो है ये निक्की वाल लेलां दे विच है, जिथे बहुत ही महानता लोग सुखना सुख दे लोगों सुखना वार आंदियां ने ते अपनियां मुरादां पूरियां करदे ने। कोई विदेश वास्ते मंग करदा, कोई धियां पुत्रां वास्ते मंग करदा। गद्दी नशीन निहाल नाथ जी अपना आशीर्वाद दे के इन्हां दे अपने लोगों सुखना नू अपने पीर अगे अरदास करके वर करते हैं। सो गद्दी उत्ते इस वक्त विराजमान साईं निहाल नाथ जी आ, ते उन्हां कोलों ये जानना चाहवांगे अज का जो मेला ते 19 जून नू ये मेला करवाया जा रहा, तो उहदे बारे आपां गलबात करांगे साईं निहाल नाथ जी नू। हाँ जी साईं निहाल नाथ जी, तुसीं ये मेला कदों तो करवाउणा शुरू कीता, तो ये दरबार नू बनिया नू किन्ना कु टाइम हो गया, सानू जरा को साडे दर्शकां नू दसोंगे? ये दरबार तो बहुत पुराना, पहले बजुर्गों के बारे दसगा ही नहीं मानता करते ही, फिर सानू पता लगा भी मानता फिर की हूँ तो संगत बहुत आउंदियां, उन्हां दियां मुरादां पूरियां होंदियां। ये गद्दी ते बैठे नू 16 साल हो गया, जदों दे बैठे आ 16 साल, 16वां मेला आ सी साडा। अच्छा जी, ये 16वां मेला, तो कोरोना में भी तुम मेला करवाते रहे कि किदा घट वध कोई संगत को बुलाते थे, उदा ही तुम चादर झंडे की रस्म करके ही छड़ देंदे सीगे? झंडे चादर की रस्म करके अं इन्ना रश नहीं पाउण पैण दिता, बाकी जिदा जिदा परमात्मा लीला चलती उदा उदा चलती रही। तो कोरोना तो बाद ये हुण पहला मेला ये खचा खच रश पिया हुआ आ, तो ताडा भी ताडे संगतां दरबार के उत्ते धड़ा धड़ आई जा रही आ, तो तुसीं अज इस मेले दे विच बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो, ताडे होर भी सारे सज्जन पतवंते जिन्ने भी हैगे आ मेले दे विच बहुत बिजी ने। तो ये मेला कोरोना के संताप तो बाद पहला मेला लगा आ जी, तो किहो जिहा अज महसूस करदे हो तुसीं, किहो जिही खुशी महसूस करदे हो? परमात्मा दी मेहर होनी चाहिए, हरेक जीव जंतु का भला मंगते हैं, जिन्ना भी जीव जंतु धरती माता के उत्ते हैगा, जिन्ना पताल आले दुआले जितना भी जीव जंतु सारे सुख मंगते हैं, परमात्मा सब सुख शांति बख्शे। जी हाँ, साईं निहाल नाथ जी ने अगम्मी सोच दे नाल ये दस्या कि जीव जंतुआं दी सुख जो एक ये नाथां दा गद्दी चलती आ रही है, सो इन्होंने ये सानू समझा दिता आ कि ये मेला कोरोना तो बाद पहला है जो इन्ना भरिया हैगा आ 3-4 साल बाद। इन्हां दे नाल इस मेले दे प्रधान सोनू मकीमपुर वाले भी जी हन, उन्हां नाल भी चंद लफ्ज़ां दे विच गल करांगे। सोनू जी, अज असीं तुहाडे तों जानना चाहवांगे कि ये मेला किन्ने चिर बाद तुसीं करवाया? ये मेला जी 16 साल हो गया मेला करवाउंदिआं नूं, विच करोना दे कहर करके 2 साल साडे कोल मेला नहीं करवा होया, इस करके असीं झंडे दी रस्म ते लंगर दी रस्म जिहड़ी सी उह करदे रहे आं। करोना तो बाद ये पहली बारी दोबारा जिहड़ा छिंज मेला 16वां आ ते कबड्डी टूरनामेंट जिहड़ा पहला आ ये करवा रहे आं संगतां दे संयोग दे नाल जी। सो सज्जनों दस दिंदे अज कबड्डियां भी होणगीआं, तो अज लड़कियां दे शो मैच भी लगणगे, तो छिंजां भी पवाइयां जाणगीआं। सो बहुत ही एक इन्हां दी महान सोच है, इस करके अज
जो भी नशियां दे दरिया चलते हैं उन्हां पासों बच्चों का मन नूं हटा के कबड्डी वल नूं उकसा करन वास्ते, खेडां वल नूं उकसा करन वास्ते इन्हां ने एक उपराला किया। ये मेले के नाल नाल कबड्डियां ते छिंझ टूरनामेंट ते ये सारा कुछ इन्हां ने प्रोग्राम किया होया। इस दे नाल गीत संगीत भी है जी। हाँ जी जी, गाउण वाली पार्टी भी सदी हुई है जी। गाउण वाली पार्टी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, तो गुरु का अटुट लंगर भी कहिंदे वरताया जाऊगा। सो ये सन सोनू मकीमपुर वाले जी, इन्हां दे नाल मेरे होर साढ़े कबड्डी दे जो कोच ने, जो अपने रैफरी करते ने, वह भी बैठे हुए हैं। तुसी अज की महसूस करते हो? असी बहुत खुशी महसूस करते हैं जी। इस मैं पहली बार इस जगह पर आया वहाँ, बड़ी खुशी हुई है सानू, क्योंकि नौजवान पीढ़ी नूं बचाउण लई जिहड़ा स्पोर्ट्स हैगी आ, उह इक तो सब तो वधिया साधन आ। क्योंकि अज दा जिहड़ा छेवां दरिया मैं कह सकदा कि नशियां दा पंजाब दे अंदर वग रिहा, उहदे नूं नत्थ पाउण लई खेडां बहुत जरूरी आ। मैं प्रशासन नूं भी बेनती करदा कि जिहड़ी आ उह खेडां नूं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीती जावे। सरकार नूं भी मेरी इह आ कि खेडां नूं प्रफुल्लित करांगे, जे साडी नौजवान पीढ़ी तंदरुस्त होएगी साडा समाज जिहड़ा तंदरुस्त होएगा, ते जे समाज तंदरुस्त होएगा ते फिर जिहड़ा देश भी बहुत तरक्की वल जाएगा। जिहड़ा समाज नौजवान जिहड़ा उह तंदरुस्त होना चाहिए, क्योंकि अगले जिहड़ी पारिया समाज का जां देश का वह नौजवान पीढ़ी के मोढ़ियां ते आना हुंदा है। तो इसलिए नौजवान जिहड़ा उह तंदरुस्त होना बहुत जरूरी आ, ते खेडां जिहड़ियां उह इस तंदरुस्ती नूं बरकरार रखण लई बहुत वधिया इक कारगर साधन हैगियां ने। धन्यवाद जी। सलूट है साई निहाल नाथ जी नूं, जिन्हां ने इस मेले दे नाल नाल गीत संगीत दे नाल नाल कबड्डियां छिंझां इहो जिहे टूरनामेंट लड़कियां नूं बेटियां नूं भी अगे आउण लई शो मैच करवाए जा रहे अज्ज कबड्डियां दे लड़के। ते इह साडे रैफरी सन जो कि कबड्डियां खिलाउणगे, ये भी बहुत दूरों चल के आए ने। धन्यवाद जी तुहाडा भी। तो सो साडे नाल साडे होर भी सिंह साहब सरदार जी हैगे ने। ए की नाम है सरदार जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੋ ਰੈਫਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅੱਜ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੋ ਸੱਜਣੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋਨੂੰ ਮਕੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਓਪਨ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ 72 ਕਿੱਲੋ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ 35 ਕਿੱਲੋ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੀ ਬਘਿਆੜੀ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਗੋਗੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਥ ਜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ
एक खेडां वल लाउण दा उपराला कीता, सल्यूट मारिया है। सो सजनों ये बहुत ही वधिया गल, ये 19 जून हर साल ये मेला मनाया जांदा। ते हुण तो अगे तो इन्होंने साई निहालनाथ जी ने जानकारी दी है कि कबड्डियां कराया जाया करनगियां, होर खेडां भी कराईया जाया करनगियां। सो ये तरीक नोट कर लो मेरे प्यारे दर्शकों, 19 जून नूं तुसीं कबड्डियां दे विच आया कबड्डियां दे मैच देखिया करो। सो अज मैं इन्ना ही कहिंदा होया सारे दर्शकों का धन्यवाद करदा, फिल्म नूं लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इन्ना ही कहिंदा होया मैं पी वी फिल्म यूनिट तो पी वी पिल्लू, धन्यवाद। उन्होंने आवाज नहीं ढी पीड़ा पानी है, एक्शन वाले बच्चों ग्राउंड की जाके जा करो कर सब करो बाबे नानक याद इन्होंने हूं लोगों ने ढी पीड़ा पानी किसी का ना काटो किसी का जहर किसी को सुंडी कहते हैं किसी को सनेडा कहते रंधावा कहती कई कुछ करना हूं इस वाकई ने मेरा बहुत कुछ करना है जी मैं पहले बाकी आने जाना वो मान भी है ना मैं बाकी है।